अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी तहरीक इंसाफ मुसालहतों मुज़ाकरात की तमाम तर कोशिशों को नाकाम बनाने पर तुले हुए हैं। वो खुद कैद में हैं और शायद ये भी यकीनी बना रहे हैं कि ऐसे रहनुमा जो दूसरी जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की भी तमाम तर तदबीरें नाकाम हो जाएँ। इसके अलावा शायद वो ये भी चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जेलों से बाहर है उनकी भी मुश्किलात में जितना हो सके इजाफा किया जाए। अपने मुल्की इदारों के खिलाफ, मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फर्जा सराई की जा रही है, एक फ़ज़ा बनाई जाती है मुज़ाकरात से मुतालिक, बातचीत के लिए तैयार है। एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगा देखकर फिर एक काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। अब किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही रानुमा ये गम गलत कर रहे हैं, आके बताते हैं कि हम डील की नहीं, हम तो इंगेजमेंट की बात कर रहे थे। आज क्या सूरत हाल दिखाई दी और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रानुमा अली मोहम्मद खान का स्टेटमेंट सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि क्लैरिफिकेशन कैसे दी जाती है। इंसाफ खान साहब ने बारहा ये बात की कि हम पाकिस्तान की खातिर किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात में और डील में भाई फर्क होता है। गुफ्तगू तो आप दुश्मन से भी करते हैं, हालांकि हम अपने सियासी मुखालिफिन को अपना जाती दुश्मन नहीं समझते। सियासी मुखालिफिन तो हैं और भी जो लोग जिनसे मसले मसाइल रहे हैं, लेकिन डील नहीं करनी। मुज़ाकरात किस बात पे करने हैं? सबसे पहले खान साहब की और असीरान की रहाई। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। अब गुज़श्ता रोज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पीएफ एकेडमी रिसालपुर की पासिंग आउट परेड में बर्मला और दो टोक अंदाज में जो मौकफ अपनाया, जो बात कह दी है, मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। अब कोई गब गलत करना चाहे, वो जो ज़ाहिर ज़ख्म है, घाव है, उसको मुंदमिल करना चाहे, उसको फिजल आउट करना चाहे इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए से यू टर्न लेने की कोशिश करें, इस तरह की अटैम्प्ट पहले भी होती रही हैं। पहले भी मुसलसल जो अस्करी अफवाज है, जो हमारे अस्करी हुक्काम है, उनको निशाने पर रखा गया। अब भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अगेंस्ट जिस तरह की कैंपेन ना सिर्फ मुल्क में सोशल मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर की जा रही है, जाहिर है। और फिर 9 मई है, अब चंद ही दिन की दूरी पर है, 9 मई भी आ रहा है, और जब जब 9 मई आता रहेगा वो याद दिलाता रहेगा गुज़श्ता साल 9 मई की जिस वक्त तस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट उसको तो आसानी से भूलने वाली नहीं है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कर रही है जो अपने लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, अपने लिए गड़ा खोद रही है, बार बार वही कर रहे हैं जिससे ज़ाहिर नुकसान पहुँचता है, फिर वही अटैम्प्ट दोबारा कर दी जाती है। इमरान शफकत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस तमाम तर सूरत याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हमने हालिया दिनों में मुज़ाकरात की फ़ज़ा बनती हुई देखी, बहुत सारे स्टेटमेंट सुने, बातचीत हो रही है, डील नहीं इंगेजमेंट हो रही है, अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, कुछ सियासी स्टेक होल्डर्स ने भी कहा, फिर इस्टेब्लिशमेंट को लेकर कहा गया हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ से तो खासी शिद्दत आ गई है। कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का स्टेटमेंट, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कलाबाजियाँ, हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन इमरान शफकत साहब? देखें, बात यह है कि ये जितनी भी बात हो रही है वो यकतरफा हो रही है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही कही जा रही है कि हमने कमेटी बना दी है, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम बाज़ुकात ये भी पता चलता है हम किसी और के साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सारी की सारी गुफ्तगू है ये यकतरफा है कि वो खुद ही सजेस्ट करते हैं, खुद ही वो दावत देते हैं और ख़ुद ही कमेटी बना देते हैं। दूसरी तरफ से तो जो भी कहा जा रहा है वो आपके सामने है। कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े दो टोक अंदाज में ये वाली बात कर दी कि आज़ादी इजहार राय जो है वो उसकी हदूद क्यूद बहरहाल हैं, जिन इदारों को आइन ने तहफ़ दिया हुआ है वो उनके ऊपर तनकीद उस तरह से नहीं की जा सकती। तो अगर मुझे आप ये कहने की इजाज़त दें तो ये सारी एक तरफा मोहब्बत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे तो इसमें कोई, जिसको आप कहें कि कोई उम्मीद, क्योंकि सब कुछ यकतरफा है, तो इसमें मुज़ाकरात उसी सूरत होते हैं जब आप दो तरफा मामलात हों और हालात कुछ इस नहज पे पहुँचे हों कि जहाँ पर मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस की जा रही हो फरीकैन की तरफ से। यहाँ पर तो एक ही फरीक सब कुछ किया जा रहा है, तो लिहाजा मुज़ाकरात वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता लग ये रहा है कि 21 जो अप्रैल था उससे पहले इमरान खान साहब ने जिस तरह अदालत में जो सहाफ़ी उनके पास आते हैं उनके साथ जो गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जिस तरह एक मोमेंटम बनाया था इंतखाबात के हवाले से,
वो अब 9 मई आ रहा है, तो वो शायद वो मोमेंटम एक बनाना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब के बाहर आने की एक ही उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं या जो उनके वोटर हैं वो मामला इस नहज के ऊपर ले जाएं, हीट इतनी बढ़ा दें, पाकिस्तान के अंदर एहतजाज में इतनी शिद्दत ले आएँ कि जो गवर्नमेंट है उसको बातचीत करनी पड़े उनके साथ। तो इसलिए वो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश नहीं, लेकिन करते इमरान हैं शफकत साहब, एक तरफ मुख्तलिफ मौके मुजाकरात के की ख्वाहिश ऊपर। है, जैसे आपने फरमाया कि मुजाकरात की ख्वाहिश एक तरफा है, एक तरफ आप ख्वाहिश रखते हैं कि मुजाकरात हो, डील हो, और हो वो भी इस्टेब्लिशमेंट से हो, दूसरी तरफ आप अदालत के अंदर ही आप ये कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं अगर मुझे और मेरी अहलिया को, फिर कहते हैं कि हारपिक के 3 कतरे मिलाए गए, आप इल्ज़ाम लगाते हैं, तो एक तरफ तो आप चाहत रखते हैं, दूसरी तरफ आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसको बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये सारा मामला इंटरनेशनलाइज भी कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों चीजें इकट्ठी चल सकती? नहीं, वो ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो दबाव बढ़ा रहे हैं, और वो दबाव बढ़ाने के लिए एक तो उनकी बयानबाजी है, और बयानबाजी के नतीजे में वो टारगेट करते हैं मुख्तलिफ मौके के ऊपर। जिस तरह इंतखाबात थे, अगर इंतखाबात में उनको वोट पड़ जाते, ज़मीनी इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इस पोजिशन में आते कि वो बारगेनिंग उनके साथ की जाती, या दबाव इतना बढ़ता कि महसूस होती कि ज़रूरत के जी कि इनको तो अभी इतने वोट पड़े हैं, ये बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, अगर इनके साथ हम मिलके ना चले या इनको हमने ऑन बोर्ड ना किया या इनकी बात ना सुनी, इनको जेल से ना निकाला, तो ये शायद मुल्क को जामत कर देंगे या मुल्क के अंदर सूरत हाल इस तरह की कर देंगे कि पूरे का पूरा कारोबार ममलकत जो है वो मफलूज होके रह जाए। दूसरा मौका अब आ रहा है 9 मई का। 9 मई में भी वो अवाम के जज्बात उभारना चाहते हैं कि आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई और उसके नतीजे में पार्टी से निशान छीन लिया गया, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, तो एक मोमेंटम बने, यही उनकी एक उम्मीद है कि अगर अवाम जो है वो बाहर निकलते हैं या अवाम एक कह लें कि कोई तहरीक चला देते हैं तो फिर उनकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग तो होती फिर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर तो आप उस कुलिये की बात करें जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वंस शी सेड के पावर टॉक्स टू पावर, मजामत होगी तो मफामत होगी, इज इट दिस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? जी यही है, ये बिल्कुल हकीकत है, ये सियासी एक हकीकत है कि जब तक आप किसी को के लिए कोई टफ टाइम ना क्रिएट करें आपसे वो क्यों बात करेंगे। अब इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, केपीके में इनकी हुकूमत है, कोर कमांडर साहब से जाके वो मिलते हैं, मामला तो वो जिस तरह पाकिस्तान का वफाक और रियासत जिस तरह चाहती है उस तरह से वो लेके चल रहे हैं, जबानी गुलामी वो जो कुछ मर्जी करते रहे, मुल्क के बाकी सूबों में या मुल्क वफाक में हुकूमतें बन चुकी हुई हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है, सिस्टम चल निकला है, तो अब इमरान खान साहब जेल में हैं तो वो अब उनकी कुछ जगह बन नहीं रही, उनको समझ नहीं आ रही कि अब आगे उन्होंने किस तरह बढ़ना है, अपना जो भी उनका एजेंडा है उसको उन्होंने पूरा किस तरह करना है। इमरान खान साहब का एजेंडा तो एक ही है कि वो किसी तरीके के साथ बाहर आए, तो वो बाहर आने के लिए या उनको मुजाकरात करने पड़ेंगे या फिर उनको अदालतों में केस फेस करने पड़ेंगे। नहीं, तो आपको अगर लगता है कि एक अदालतों में मोमेंटम केस तो बन फेस रहा है? नहीं करने या यूं कहे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलियन मार्च का आगाज कर चुके, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि किसान भी एहतजाज कर रहे हैं, ताजिर भी सड़कों पर आने पर के लिए बेताब हैं, FBR के मसाइल भी अपनी जगह पर है, फिर PTI भी जाहिर है वो भी सड़क गर्म करने का इरादा रखती है, तो डोंट यू थिंक एक मोमेंटम तो बन सकता है, ये बनने जा रहा है? नहीं, मोमेंटम देखें, जो मौलाना हैं फजलुर रहमान साहब वो मोमेंटम अगर बनाएंगे तो अपने लिए बनाएंगे, अगर कोई महंगाई या कोई गंदम वाले कोई इशू हैं या दूसरे तीसरे इशू हैं वो लोग अपने अपने मसाइल लेके चलेंगे। ये इमरान खान साहब की रिहाई का मामला या इमरान खान साहब के हक में ही चीज़ें उस तरह से बोलनी होगी, अनट एंड अनलेस के झंडे हों PTI के, लोग सड़कों के ऊपर हों, एहतजाज हो रहे हों, अडयाला जेल के बाहर लोग बैठे हो 50,000 बंदा, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर तो मतलब वो लूज कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर इमरान शफकत साहब आने वाले दिनों में और यही डेस्परेशन है उनकी। ये डेस्परेशन मजीद बढ़ेगी, अब लाइक इस्टेब्लिशमेंट ने अगर एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगाया हुआ है या इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट इन अ मूड के किसी से बातचीत करे तो आने वाले दिनों में फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, मायूसी, बेचैनी, इज़तिराब, परेशानी बढ़ती हुई देख रहे हैं? देखें, जाहिर है कि इमरान खान साहब की तो डेस्परेशन का लेवल आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, अभी उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में फैसले आने हैं जो पेंडिंग हैं, तो इनको बिल आखिर जो है इनका, देखें इमरान खान साहब का जो जिस कतार शुमार में खड़े हैं वो सियासतदानों की कतार शुमार है,
इनको बिल आखिर सियासतदानों के साथ ही मुजाकरात करने पड़ेंगे, पार्लियामान के अंदर कोई बात करनी पड़ेगी और वहाँ पर जो मुजाकरात होते हैं या फिर उनके पास जो इनके लिए देने के लिए कुछ होगा वो ऐसा नहीं होगा कि यूं चुटकी बजाते ही या जादू की छड़ी चलाते ही इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएं। तो ये ज़रा एक मुश्किल फेस है इमरान खान साहब के ऊपर, ये मुसीबत जलती टलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अदालतों के अंदर भी हम एक एक्टिविज्म तो देख रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, अब इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंपॉर्टेंट इशू रिजर्व सीट्स का वो टेकअप कर लिया गया है। आपको लगता है कि अदालती साइड से भी कोई रिलीफ इमरान खान साहब को नहीं मिल सकता? देखें, रिलीफ का लफ्ज जो है वो अभी तक तो इमरान खान साहब को रिलीफ ही मिल जितना मिल सकता था वही मिल रहा है। तो अभी अगर आप कहें कि मखसूस नशस्तों का जो केस है वो 3 रुकनी बेंच है, पता नहीं वो फैसला जो भी आएगा उसके खिलाफ बहरहाल अपील हो सकेगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी पड़े या फिर किसी और को करनी पड़े, इलेक्शन कमीशन को करनी पड़े या जिसको भी करनी पड़े। तो अदालतों में इस तरह के रिलीफ जो हैं वो फौरी रिलीफ नहीं मिलते होते। आप देखें कि जो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलते मिलते 4 साल लग गए थे, तो मुश्किल काम है ये भला। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और वो जजेस, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से कुछ आई नहीं, तरमीम का हुकूमत सोच रही है, आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? देखें, जब वो फोरम, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा कि जहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए वहाँ पर अगर कोई सियासतें होंगी तो फिर पार्लियामान तो वो फोरम है जो लिजिटिमेट है सियासत करने का भी और कानून साजी करने का भी। कानून साजी के पीछे हमेशा जो है वो पॉलिटिक्स होती है और मेरा ख्याल है कि पार्लियामान जो है वो उसके पास ये इख्तियार भी है। मैं ख्याल जो मैंने कहा है वो मैंने ज़रा जुमनी अंदाज में कहा है, लेकिन बहरहाल उसका इख्तियार है, वो कानून साजी कर सकती है और इस वक्त उनकी जो पोजीशन है पार्लियामान में वो स्ट्रांग है, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी अगर कानून साजी करनी पड़ी उनको तो वो कर लेंगे। तो जब एक चीज़ जो हमें जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि सियासतदान के इसके साथ जब गैर सियासी लोग सियासत करेंगे तो वो मात खाएंगे, ये समझना चाहिए हमें। अब ये कानून साजी ऑन कार्ड्स है, जुडिशल कमीशन का हम इजलास भी हुआ है। इमरान शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आज जुडिशल क्लास के अंदर ये इंतिया दिया है। बहुत बड़ी खबर है आज की, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनातियों के हवाले से और फिर जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के लिए आईनी तरमीम आर्टिकल 174A के अंदर गालिबा तरमीम का जो है वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आज इंदिया दिया है और फिर जुडिशल कमीशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया है। आज जजेस की तकर्री के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अहम इजलास हुआ लेकिन इस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी, इसके बाद ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जुडिशल कमीशन का ये इजलास चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया आफरीदी शरीक हुए। इसके अलावा इजलास में चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस भी मौजूद थे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक भी इजलास में मौजूद थे। ज़राए ने बताया कि इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का फैसला नहीं हो सका। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐलामिया जारी किया है इसमें बताया गया है कि इजलास का एजेंडा जुडिशल कमीशन रूल्स में मुजवजा तरमीम का जायजा लेना था। जुडिशल कमीशन काजी फायजीसा ने अराकीन से मुजवजा तजावीज़ पर राय तलब की। वफाकी वजीर कानून ने इजलास मौखर करने की गुजारिश की और कहा कि वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है, मुजवजा तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन की साख तब्दील हो सकती है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने एजेंडे पर बहस ना करने पर इजलास मुलतवी करने की तजवीज़ दी। तमाम अराकीन ने इजलास मुलतवी करने पर इतफाक किया और इजलास में इतफाक किया गया कि जजेस की तकर्री के मामले पर ताखीर नहीं होनी चाहिए, जजेस की तकर्रियाँ मौजूदा रूल्स के तहत ही होंगी, इस पर इतफाक हुआ। इसके अलावा ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने आला अदलिया में जजेस की तैनातियों पर आइनी तरमीम का फैसला किया और आज के इजलास में वफाकी वजीर कानून ने अराकीन को बताया कि हुकूमत आइनी दफात में तरमीम करेगी जिस पर काम हो चुका है। मुनीब अख्तर ने वजीर कानून से इस्तफसार किया कि इन तरमीम में मुमकिन तौर पर जुडिशल कमीशन की साख्त तब्दील हो सकती है। वजीर कानून ने जवाब दिया कि इस बात का वाज़े इम्कान मौजूद है। अब ये बहुत बड़ी लेजिस्लेशन होगी पार्लियामान के फ्लोर पर जो जजेस की तकर्री के हवाले से
और जुडिशल काउंसिल की खासतौर पर साख्त की तब्दीली के हवाले से होगी। अब वो मुजवज़ा तरामीम कौन सी हो सकती हैं और क्या इसके हवाले से जो एसोसिएशन है वो भी ऑन बोर्ड हैं। इस वक्त चेयरमैन साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जुडिशल कमीशन के रूल्स में जो तरामीम है उसकी बाजगश सुनाई दे रही है। जो तरामीम होंगी वफाकी हुकूमत इंडिया दे रही है, क्योंकि इस तरह की कोई लेजिस्लेशन होने जा रही है, तो क्या इस तरह की तरमीम को आप सपोर्ट करेंगे, बार एसोसिएशन सपोर्ट करेंगे इसको? देखें, ये तो अब तजावीज़ जो सामने आएंगी या कोई ड्राफ्ट बिल सामने आएगा तो फिर ही हम देख सकेंगे और इस पर हम कोई कमेंट कर पाएंगे। वैसे पिछले कोई 3-4 महीनों से ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग्स हुई और फिर ये मुख्तलिफ वकला से, सीनियर वकला से वो तजावीज़ भी मांगी गई और उनको कंपाइल करके, तो मेरा ख्याल है कि एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन उसमें बहस का मौका ही नहीं मिला। जब आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये बताया कि कोई तरामीम करने जा रहे हैं, अब जब तक वो सामने नहीं आएगा या उन तरामीम के हवाले से कोई बात नहीं सामने आएगी, तो इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त है कि क्या वो करने जा रहे हैं। देखिए, जुडिशल कमीशन के रूल्स में भी तब्दीली मुतवक्के है। आप समझते हैं कि जुडिशल कमीशन के रूल्स भी अमेंड होने जा रहे हैं और उसके बाद जाहिर है अगर ये होगा तो फिर तो बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। सीनियोरिटी प्रिंसिपल के हवाले से बहुत रिजर्वेशंस रहे हैं, जजेस के एलिवेशन के हवाले से बहुत सारे रिजर्वेशंस रहे हैं, आपके एहतजाज भी करते रहे हैं। आपको लगता है कि रेक्टिफाई हो जाएंगे या ये मजीद बढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम? देखिए, जो तजावीज़ अभी पेश की गई थी हमारे मेम्बरान की तरफ से, उसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल के हवाले से भी बात हुई है और काफ़ी बहस व तमीज भी होती रही और इस पर काफ़ी मीटिंग्स भी हुई, सिटिंग्स हुई, लेकिन अब देखना है कि हुकूमत इसको किस तरह लेती है और कौन कौन से जो ऐसी असलाहत हैं वो करने जा रहे हैं। रूल्स हमारा बड़ा पुराना मुतालबा था बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का कि रूल्स में तरमीम हो और जो जजेस की तैनाती है उस पर बार एसोसिएशन जो कि मेन स्टेक होल्डर है उससे भी राय लेनी चाहिए, मीनिंगफुल कंसल्टेशन जिसको कहते हैं। मेंबर्स ऑल दो मेंबर्स होते थे जुडिशियल कमीशन के, लेकिन उनकी राय की अहमियत इस वजह से नहीं होती थी कि जजेस की तादाद ज्यादा होती थी और वो जो फैसला करके आते थे वो अगर ये माइनॉरिटी में आ जाते थे और अक्सरीती राय से वो जजेस की तैनाती या एलिवेशन हो जाती थी। लेकिन हमारा मुसलसल ये था कि हमारे जो मेंबर्स होते हैं बार काउंसिल्स के, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के या पाकिस्तान बार काउंसिल के, उनसे भी नाम लिए जाने चाहिए ताकि उस मीटिंग में उनके दिए गए नामों पर भी डिस्कशन हो और हो सकता है कोई बेहतर नाम आ जाए। जरूरी नहीं है कि कोई हम कोई इस तरह का मुकाबला करना चाहते हैं, अदर असल में हम चाहते हैं बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन के जुडिशरी में अच्छे नेक नाम और बेहतर काम करने वाले जजे साहिबान की ही तैनाती हो, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरह जुडिशरी के हवाले से अब एतराजात किए जा रहे हैं कि इतने नंबर पे आ गई है, इतने नंबर पे आ गई है, तो हमें खुद इसका एक हिस्सा होने की वजह से बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो लिहाजा ये बेहतर होता है कि बार को वकला की बॉडी से मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो और इनकी राय की अहमियत भी हो। भाई साहब, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेस की जो मुद्दत मियाद है यानी मुद्दत रिटायरमेंट है उसको भी फिक्स किए जाने के हवाले से खबरें क्योंकि मौजूद हैं, क्या ऐसा ड्राफ्ट है कि इसकी जो मुलाजमत की हद है उसको 3 साल कर दिया जाए? ये र्यूमर सुन रहे हैं लेकिन किसी बाखबर राय से कोई ऐसी बात हम तक पहुंची नहीं है और ना ही कोई ऐसा ड्राफ्ट बार काउंसिल की तरफ भेजा गया है कि आप इस पर अपनी इनपुट दें। अगर ये ड्राफ्ट कोई इस किस्म का आता है और वो भेजते हैं बार काउंसिल को, तो फिर हम इस पर देख के कोई बात कर सकते हैं कि आया ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारे प्रॉस एंड कॉम्स दे के सारे मुसबत और मनफी जो इसके पहलू हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए करेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की हद तक बढ़ाने को आप सपोर्ट करेंगे या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला नहीं होगा? देखिए, ये
जो भी चीफ जस्टिस आए, मसलन इफ्तखार मोहम्मद चौधरी साहब के वक्त भी ये र्यूमर्स चली थी, फिर जनाब आसिफ सईद खोसा साहब के वक्त, फिर इवन उमर अताब बंदयाल साहब के वक्त भी ये र्यूमर्स चलती रही कि जजिस की मियाद बढ़ाई जा रही है, ये थी। लेकिन ये जो है चीफ जस्टिस की जो तैनाती की मुद्दत है वो 3 साल करने की, जिस तरह के आर्मी चीफ की मुद्दत अगर वो आखिरी दिन रिटायरमेंट के वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है तो फिर 3 साल की मुद्दत के लिए वो हो जाते हैं और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर इस एनालॉजी पे आ रहे हैं तो डेट इज समथिंग एल्स। लेकिन अभी तक हमारे साथ किसी ने भी हुकूमती ज़राए से किसी ने रब्ता नहीं किया कि हम इस पे अपनी राय दे सकें। हुकूमत आज ये जरूरत क्यों महसूस कर रही है पाश साहब? देखिए हुकूमत ज़ाहिर है मेन स्टेक होल्डर है, पार्लियामान में उनकी अक्सरियत है और वो कुछ अपनी मर्जी की अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। अभी भी प्री मेच्योर है ये बात, सामने चीज आने पे हम ज्यादा बेहतर तरीके से उस पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसी चीज हो जिस पे हमारी भी रिजर्वेशन हो, हम उस पे ऑब्जेक्शन करें, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज आ जाए जिस पे हम कहें कि बिल्कुल ये हमारे दिल की आवाज है, ऐसा होना चाहिए और हम उनको सपोर्ट करें। इन आईनी तरामीम के रास्ते को जजेस के खिलाफ एक्शन भी मकसूद है? मेरा ख्याल है नहीं। अगर ऐसी कोई बात हुई जिस कोई बदनीति का पहलू हुआ तो वो भी हम इस पर भी रिजिस्ट करेंगे। मेरा ख्याल नहीं है कि इस वक्त गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि एक नया पंडोरा बॉक्स खोले और एक इस इंस्टीट्यूशन को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करे। पहले ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देखें खतों पे खत आ रहे हैं, कल एक और सिविल जज का खाता आ गया, तो ये सारी चीजें मैं नहीं समझता कि ये इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर है। इसको अब बेहतरी की तरफ जाना है और एक बड़ा अहम केस सुप्रीम कोर्ट पाकों के इस मौके पे कोई इस तरह की जो जो कंट्रोवर्शियल बात है वो शायद नहीं होगी और नहीं आनी भी नहीं चाहिए। लास्टली एंड वेरी क्विकली पाश साहब, आपको नहीं लगता कि इससे रिजेंटमेंट बढ़ सकती है अगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की हद तक फिक्स कर दी जाए तो जो चीफ जस्टिस बनने के लिए यानी इनकमिंग चीफ जस्टिस की लाइन में है उनमें बहुत सारे नहीं बन सकेंगे तो रिजेंटमेंट बढ़ेगी नहीं इदारे के अंदर? नहीं देखिए उनकी मुद्दत मुलाजमत भी तो बढ़ जानी है ना। बात यह है कि क्या सिर्फ एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ानी है या तमाम जजेस की जो है वो एज को आगे लेके जाना है, ये भी दोनों दो अलग। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीआईए की निचकारी का अमल तेज हो गया है। बोली लगाने वाला कौन है, पीआईए का खरीदार कौन है? पीडीएम के दौरे हुकूमत से लेकर फिर निगरा और अब मौजूदा हुकूमत के दो मामले भी पीआईए की निजकारी का अमल जोरों शोर से जारी है। पीआईए की खरीदारी के लिए मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बोलियां तलब करने की आज आखिरी तारीख थी लेकिन अब इसमें 15 मई तक तौसी करते हुए ये तारीख 18 मई तक बढ़ा दी गई है। तारीख की तब्दीली के बायस ये अफवाहें जोर पकड़ रही थी कि शायद गैर मुल्की कंपनियों की दिलचस्पी की वजह से इस तारीख में इजाफा किया गया है लेकिन आज ही वफाकी वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने मीडिया से बात करते हुए इन अफवाहों की नफी की और बताया कि 10 मारूफ कंपनियों ने पीआईए में दिलचस्पी जाहिर की है जबकि 3 मकामी एयरलाइंस भी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कंसोर्शियम बनाकर निष्कारी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाह रही है। इस हवाले से आज मीडिया से बात करते हुए अलीम खान ने उन हलकों पर तनकीद की जिन्होंने अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा था। उन्होंने कहा कि पीआईए को 830 अरब रुपये का नुकसान पहुँचाने वालों को निष्कारी में अपना मफाद नजर नहीं आ रहा है। पीआईए की निजकारी के हवाले से बोलियों की तारीख में तौसी तो कर दी गई है लेकिन यहाँ इस हवाले से मसाइल और भी हैं क्योंकि अब मुख्तलिफ जमातों ने इसकी निजकारी पर एतराज़ात करना शुरू कर दिए। इन पर्टिकुलर बिलावल साहब की तरफ से इस पर रिजर्वेशंस का इजहार किया था, उन्हें आज अलीम खान साहब ने कैसे काउंटर किया है? पाकिस्तान ने आज एक अहम एजाज़ हासिल कर लिया, आज पाकिस्तान खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान ने आज चीन की हदूद से अपना पहला तारीखी सेटेलाइट मिशन IQQ चीनी मिशन Chang-6 के हमरा ईरान स्पेस लॉन्च साइट से खला में रवाना कर दिया। इस तरह पाकिस्तान उन 6 ममालिक की दौड़ में शामिल हो चुका है जिन्होंने इससे कबल चांद के मदार में अपने सेटेलाइट मिशन भेज रखे हैं। इन ममालिक में अमरीका, साबिका सोवियत यूनियन, मौजूदा रूस, चीन, जापान, इंडिया और यूरोपीय यूनियन शामिल थे। उनके अलावा जनूबी कोरिया, लग्जमबर्ग,
इटली, अमेरिका और चीनी रॉकेट्स के सहारे चांद के मदार तक जा चुके हैं और अब पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। बुनियादी तौर पर सेटेलाइट आई क्यूब खबर आज 2:27 पर रवाना हुआ, जिसकी नशरियात आज मुल्क भर में बराह रास्त दिखाई गई। इस मिशन की रवानगी पर स्पार्को में जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। स्पार्को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जो है हॉल तालियों से गूंज उठा, फजा नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान की एक कामयाबी कम्युनिकेशन के शोबे में पाकिस्तान की सलाहियतों को बढ़ाएगी और साइंसी तहकीक और इकतसादी और तरक्की और कौमी सलामती के लिए मौके भी पैदा करेगी। इस मौके पर जो इस सारे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद। प्रोग्राम के वक्त अब तक इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तरक्या ख्याल, अल्लाह हाफिज़।